सर स्कूल में पुलिस आई है। अरे हम नहीं बुलाया है भाई पुलिस को। कैसे हो राठी? अरे वाह वाघ मारे आ गए तुम। आ भाई कितने सालों बाद मिले हैं, मुझे लगा भूल गए होगे मुझे। अरे ऐसे कैसे भूलेंगे, मुझे याद है कैसे हम सब तुम्हें लाठी लाठी कहकर चढ़ाते थे। लेकिन अब हमें स्कूल में कोई लाठी नहीं कह सकता क्योंकि अब तो प्रिंसिपल हैं हम। बद्री मैंने तुझे कहा था कि एग्जाम में नकल मत कर, लेकिन तू नहीं माना। अब देख राठी सर ने पुलिस को बुला लिया। अरे ये इंस्पेक्टर अपने लिए नहीं जीवा के लिए आया है, जिसने हमारे लंच बॉक्स से पराठा चुरा कर खा लिया। ओए होए। अरे तुम लोग मेरा टिफिन खा लेना, लेकिन मेरा नाम मत बताना। थम्दे। तो अब बताओ कैसे याद किया? वो क्या है ना कि बच्चों को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करती है, कैसे सबकी रक्षा करती है। हाँ ये बात तो है। और ये सब बच्चों को तुमसे अच्छा कौन समझाएगा? अरे जरूर समझा दूंगा, लेकिन स्कूल में नहीं पुलिस स्टेशन में। अरे मेरे पलाते कहाँ गए? अरे तेरे बैग के ऊपर तो चींटी चल रही है, उसी ने पराठे खाए होंगे। और वैसे भी तेरी मम्मी पराठों में बहुत मिर्ची डालती है। मिलती लो थोड़ी डालती है, वो तो आज गलती से डल गई थी। इसका मतलब मिले पलाते तुम दोनों नहीं खाए, तभी तुम्हें मिर्ची का पता चला। चलो सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाओ। चल बुदल बदली ने लंच बॉक्स मेले पलाते तुला कल खा लिए। सर मुर्गा बनाकर बात को खत्म कर दो ना, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? चुप रहो, जैसा कहा है वैसा करो। इंस्पेक्टर वाघ मारे तुम लोगों को आज पुलिस के काम के बारे में जानकारी देंगे। चलो सब। आइए आइए, छोटा चौकी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर वाघमारे की ओर से आपका स्वागत है। लगता है ये इंस्पेक्टर चोरों का भी ऐसे ही स्वागत करते होंगे। हाँ तभी तो चोरियां कम नहीं हो रही। बच्चों आओ मैं आप सबको दिखाता हूँ कि पुलिस कैसे काम करती है, कैसे मुजरिमों को पकड़ती है और कैसे आप सबकी रक्षा करती है। सर ये दीवार पे किसकी फोटो लगी है? अरे तुझे इतना भी नहीं पता, जैसे अपना स्कूल में राठी सर के दादाजी की फोटो है, वैसे ही ये इंस्पेक्टर सर के पापा की फोटो है। अरे नहीं नहीं, ये खूंखार मुजरिम छोटा मंजन की फोटो है, जिसको पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन सर आप तो इसकी फोटो लगाकर ऑफिस में बैठते हैं, ऐसे तो ये कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे जासूस इस शहर के कोने कोने में फैले हैं, उनके पास जैसे ही कोई खबर आएगी वो हमें कॉल करेंगे और हम वहाँ छापा मार कर इसको पकड़ लेंगे। ये तो वैसे ही है जैसे क्लास में जीवा दुबे सर को हमारी शिकायत करके पकड़वा देता है। हाँ मतलब जीवा दुबे सर का खबरी है। अब यहाँ का लॉकअप दिखाते हैं आप। ये छोटा मंजन भी अपने साथ जाना चाह रहा है, तो साथ में ले लो इसको भी। ये है लॉकअप, जब कोई कानून तोड़ता है तो हम उसे यहाँ बंद कर देते हैं। इससे अच्छी सजा तो अपने दुबे सर देते हैं। हाँ हमें मुर्गा बनाकर। और ये है हथकड़ी, इसे हाथों में पहनाकर मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि वो भाग न सके। आओ अब आप सब कैंटीन में नाश्ता कर लो। पार्टनर ऐसा लगता है ये हथकड़ी हमारे लिए बनी है। हाँ ये हथकड़ी गुंडों को नहीं फ्रेंडों को पहनानी चाहिए, जैसे कि हम। अब क्या करें? इसकी चाबी वाघमारे साहब की कैबिन में होगी, चल देखते। वो देख चाबी,
जल्दी से उठा और लॉक खोल दे। यहाँ कोई नहीं है दोस्त, फोन उठा ले। हेलो, कुछ सुना दोस्त? अरे मैं कैसे सुनूंगा, फोन तो तूने उठाया था। किसी मुन्ना मोबाइल का फोन था, कह रहा था कि छोटा मंजन पुरानी फैक्ट्री में भेस बदल कर आने वाला है। तो चल जाके पुलिस अंकल को बताते हैं। अरे अभी तो पुलिस अंकल ने हमें बताया कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ते हैं, क्यों ना हम ट्राई करें। लगता है मुन्ना मोबाइल की खबर गलत है, एक घंटे से बैठे हुए हम, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। देख, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। शैतान? लेकिन दोस्त उस चोर का नाम तो छोटा मंजन है। अरे मतलब वो चोर आ गया। ओ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही शैतान है, क्योंकि उसने तो भेस बदला है। तो हम भी उसका भेस बदलते हैं ना। वो या तो ऐसी मूछे लगा कर आएगा या फिर ऐसी दाढ़ी लगा कर आएगा, ज्यादा से ज्यादा बाल लगा कर आएगा। ए, वो देख छोटा मंजन, वो तो कुछ लगाने की बजाय सब उतार कर आया, अपनी हाइट भी। हाँ, इसलिए तो उसका नाम है छोटा मंजन। चल उसका बजाते हैं भजन। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ेंगे तुझे, बड़ी मुश्किल से तो तू हाथ में आया है। अब तो हमें अवार्ड मिलेगा। कैसा लग रहा है छोटा मंजन? अरे मैं छोटा मंजन नहीं हूँ। क्या? वो सच बोल रहा है। इसे कैसे पता ये बड़ा मंजन है क्या? नहीं, मैं हूँ छोटा मंजन। क्या? मेरा नाम है छोटा मंजन और मैं करता नहीं किसी का मनोरंजन। और मैं इंस्पेक्टर वाघमारे का खबरी मुन्ना मोबाइल हूँ। मैं इसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था। ये मेरी हर डकैती की खबर इंस्पेक्टर वाघ मारे को देता है। तुम लोगों ने इसे पकड़ कर मेरा बहुत बड़ा काम किया। दोस्त अगर ये खबर पुलिस अंकल तक पहुंच गई तो वो हमें जेल में डाल देंगे। हाँ, अब तो हमारा ब्रेवरी अवार्ड भी गया। बचाओ, मुझे बचाओ। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो बड़ी मुश्किल से इसकी कमर तक ही पहुँच पाते हैं। कमर तक तो पहुँच पाते हैं ना। तो चल करते हैं छोटा मंजन का मनोरंजन। अरे 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 क्या 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 कर रहे हो, छोड़ दो। मेरा नाम है छोटा मंजन, मैं करता नहीं किसी का मनोरंजन। तुम्हारी वजह से मुन्ना मोबाइल मेरे हाथ से निकल गया। तुम दोनों की खैर नहीं। भाग पार्टनर। बच के कहाँ जाओगे तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को बाद में पकड़ लेना, अब तुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी। छोटा मंजन अब जेल में करना भजन। कहाँ है वो छोटा मंजन? सर हमने उसे इस कमरे में बंद किया। शाबाश, तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर बच्चे हो।
क्यों नहीं होंगे इंस्पेक्टर, आखिर ये उस स्कूल के बच्चे हैं जहाँ के प्रिंसिपल हैं हम।